हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माई चैनल। छोटियां नूं, वड्डियां नूं, सब नूं, जी आयां नूं, आप नूं, मेरे ते मेरे परिवार की तरफों, तुहानूं ते तुहाडे परिवार नूं नव वर्ष दीआं बहुत बहुत शुभकामनावां। हैप्पी न्यू ईयर। इस साल तुहाडे वास्ते बहुत अच्छा जाए, तुहाडी सेहत बहुत अच्छी रहे। अच्छा अच्छा खाना खाओ, अच्छा अच्छा घूमन जाओ, बच्चे जिहड़े स्टडी कर रहे ने अच्छी अच्छी पढ़ाई करो, सब कुछ अच्छा अच्छा करो। उस तरीके नाल मैं भी एक कोशिश कर रही हूँ दोबारा तो वापस अपने चैनल नूं ग्रो करने वास्ते। जिन्होंने मैं सबसक्राइब किया है उन्होंने वेलकम, और जिन्होंने हूँ तक मैं सबसक्राइब नहीं किया पर देखते हैं, प्लीज़ मैं सबसक्राइब करो ते तुहाडा मोस्ट वेलकम। तो चलो आज मैं तुहाडे नाल शेयर करांगी कि मैं लंच दे विच की बना रही हाँ। तो चलो मेरे नाल मेरे किचन दे विच। मैं चाहनी हाँ कि तुसी मेरी इस कोशिश दे नाल मेरा साथ दिओ ते मैं सबसक्राइब करो, मेरे वीडियोज़ नू लाइक करो, शेयर करो। प्लीज़ मैनू सबसक्राइब करना ना भूलना, सिर्फ देख के नहीं चले जाना। इस नवे साल मैं थोड़े को सिर्फ इन्ना जहाँ मांग रही हूँ कि मैं एक कोशिश कर रही हूँ, और मैं चाहनी हाँ कि तुसी भी नवे नवा कुछ ना नवे साल दे विच कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन दिता होएगा। तो मेरा भी यही है कि मैं एक कोशिश अपने चैनल वास्ते दोबारा करना चाहनी हाँ, तो मैं थोड़े साथ की बहुत जरूरत है। तो चलो इस उम्मीद के नाल अज तो नवा स्टार्ट करने हैं, तो किचन चलने हैं मेरे नाल। तो चलो मैं हुन बना रही हाँ मटर पनीर, बना रही हाँ नाल बना रही हाँ बॉयल राइस, ते नाल बनावांगी लच्छा पराठा और बूंदी दा रायता। तो पहले मैं बनानी हाँ मटर पनीर की तैयारी करनी हाँ, गैस ऑन करने हाँ। ते चॉपर दे विच असी प्याज कट लांगे, चॉपर तुसी मेरे पहले भी वीडियोस किसी देख चुके हो। तुसी देखोगे कि एक मिनट भी नहीं लगना तो सारा प्याज एकदम बारीक कटिया जाएगा। देख सकते हो कि प्याज देखो कितना बारीक कटिया गया, एकदम बारीक चॉप होया। ते असी हुन कढ़ाई दे विच तेल पावांगे 2 चम्मच, जिस तरह कि तुहानू पहले भी पता है कि मैं खड़े मसाले बहुत घट यूज करती हाँ, कि मेरे घर दे विच कोई पसंद नहीं करता। हमेशा मैं गरम मसाला या पाउडर मसाले ही यूज कर रही हूँ। सारा तेल गरम हो चुका है, अदरक लहसुन मैं सस्ते बारीक नहीं किया है प्याज के नाल, क्योंकि मैं उसकी पेस्ट खावांगी। नाल दे नाल असी राइस भी बॉयल होने वास्ते रख देंगे। मेरे घर मोस्टली डेली ही राइस बनते ने, और बॉयल राइस ही मतलब उबले हुए चावल ही खाए जाते हैं, जिदे कि असं उबाल के एदा पानी कर देने, स्टेनर पा के स्टेन कर देने हैं। असं अपने प्याज नूं थोड़ा जा लाल होने देवांगे, तां तक असी इसी चॉपर दे विच दो टमाटर कट लांगे। तुसी टमाटर की मात्रा अपने हिसाब न कर सकते हो। तो
देख सकते हो कि थोड़ी देर सी सारा टमाटर भी चॉप हो गया है। ऐसे अब चॉपर बहुत यूजफुल है, तो ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है अफोर्डेबल है, ऐसी कोई सब ऐसे अफोर्ड कर सकते हैं। हो सकता है जिले तुम यह वीडियो देख रहे हो तो अवेलेबल हो गए। मैं कोशिश करांगी कि मैं रेगुलर वीडियो बनावा। मैं पहले भी बहुत बार बोले हैं पर कई बार सारी सेहत अलाउ नहीं करती। और मैं जिस तरह तुम मेरा अगर मेरे चैनल पर तुम पुराने हैं तो तुझे देखा होगा कि मैं थोड़ी थोड़ी हेल्थ इश्यू है गे, पर कोई नहीं कोशिश करते रहेंगे। बीमारी तो आती जाती है। हूं असि ये जिंजर गार्लिक पेस्ट पावांगे थोड़ी जी, तकरीबन एक छोटा चम्मच समझ लो तुसी। नॉनवेज के अलावा मेरे घर गरम मसाले का यूज बहुत घट होता है क्योंकि मेरे हस्बैंड नूं गरम मसाले का टेस्ट अच्छा नहीं लगता। हूं असि ये पावांगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। मैं नमक भी बहुत घट यूज करनी हूं। उस तो बाद पावांगे असी हल्दी पाउडर, उस तो बाद पावांगे असी लाल मिर्च पाउडर, नान पादांगे से टमाटर जो असि बारीक चॉप किए। थोड़ा जा पावांगे से दिश पानी ताकि सारे मसाले जो से दिश पाए नमक मिर्च हल्दी और थोड़ा मिक्स हो जाए। गरम मसाला यूज करांगी लेकिन थोड़ी देर बाद। तो मेरे राइस भी नाल नाल बॉईल होने चालू हो गए जिस तरह तुसी देख सकते हो। हुण असीं अपना मसाला थोड़ा जा भुन लवांगे स्टेज ते आके। नाल असी मटर यूज कर रहे हैं। मैं फ्रेश मटर नहीं लेते, ऐसे मेरे को नहीं है, मैं फ्रोजन मटर यूज कर रही हूं। ते मैं मटर नू अच्छी तरह पानी चो कढ़ लिया। हूं मैं पावांगे मसाले विच, ये साढ़े मसाले के नाल नाल सॉफ्ट हो जाएंगे। इस टाइम मैं ईस्टर्न का गर्म मसाला यूज कर रही हूं। ईस्टर्न के मसाले मैं बहुत टाइम तो यूज कर रही हूं, चना मसाला, मटन मसाला, चिकन मसाला, बिरयानी मसाला का बहुत अच्छा है। असी थोड़ा जहा गरम मसाला यूज करांगे, तकरीबन एक छोटा चम्मच।
थोड़ी देर वास्ते कवर कर देंगे। साढ़े चावल भी बॉयल आ रहे हैं, नाल नाल उन्हें भी हिलाते जावांगे। असी खाना बनाने टाइम सानू मल्टीटास्क करना पैंदा है, नाल नाल सब्जी नाल नाल आटा गुन्ना पैंदा है। अगर तुसी बिगनर हो तो धीरे धीरे कर सकते हो। ए जेड़े चावल बना रहे हैं, अगर तुसी उन्हें चावल बनाना सीखना चाहते हो तो देखो, अगर तुसी नवा नवा खाना बनाना स्टार्ट किया है तो सिर्फ चावल थोड़ी देर भिगो के रखो और इन्हों बॉयल होने वास्ते रख दो। अगर चावल पिघे हैं तो थोड़े 5 मिनट के चावल बॉयल होकर रेडी हो जाते हैं, उस तो बाद असि इन्हू स्ट्रेन करांगे। देखो जिस तरह तुसी देख रहे हो मसाला भुन रहे हैं, तो नाल मटर भी गल रहे ने नाल, और ए देखो तुसी राइस साडे राइस भी बॉयल हो रहे ने नाल नाल देख सकते हो तुसी। इस टाइम असं थोड़ा जा हरा धनिया पावांगे, थोड़ा जा बाद च यूज करांगे। ए मेरे को एक बड़ी कटोरी पनीर है, एक्चुअली कल मैं चिली पनीर बनाया सी। चिकन और चिली पनीर मिक्स करता है क्योंकि चिली पनीर भी बनाया सी और चिकन चिली भी बनाया सी, इस वजह से दोनों मिक्स कर देता है। मैं कल चिली पनीर बनाया सी, उधर से मेरे को पनीर बच गया है, तो मैं किसी भी चीज नु वेस्ट नहीं कर दी। ज्यादा हो गया सी फ्राई, इस वजह से मैं हूँ मटर पनीर दे विच यूज कर रही हूँ। इस स्टेज नु नाम विच पा दवांगे। सब का खाना बनाने का अलग अलग तरीका है। मैं इस तरीके नाल बनानी हूं। अगर कुछ समान गैस पे गिर जाता है खाना बनाने बनाने नाल उन्हें क्लीन कर दिया जाए तो फटाफट सब अच्छी तरीके ना साफ हो जाता है, नहीं तो मैस बढ़ता ही चला जाता है। इस टाइम थोड़ा जा हरा धनिया होर पावांगे। थोड़ा जा पानी पावांगे। इन्हू स्लो सेकते असी कवर करके पकन वास्ते रख दांगे। तां तक असी अपने रायते दी ते नाल लच्छे पराठे दी तैयारी करने हैं। वैसे मैं तुहानू दिखा दां, इस टाइम मैं आटा गुन के आटा मल के रख लिता है, तो ये वास्ते मैं लच्छा पराठा बनावांगी। तुसी चाहो तो रोटी दे नाल या प्लेन पराठे दे नाल भी ऐसा पराठा, नमक अजवाइन का पराठा या किसी भी पराठे दे नाल इन्हू सर्व कर सकते हो। तो तुसी देख सकते हो, देखो मेरा मटर पनीर बन के रेडी है। सब्जी मैनु सिर्फ हल्की सेमी ग्रेवी चाहिए है, बिल्कुल एकदम ड्राई भी नहीं चाहिए। तुसी चाहो तो थोड़ा हल्का ग्रेवी भी रख सकते हो। ऐसे मैं हूँ थोड़ी जी काली मिर्ची पाई है, उस तो बाद मैं सिर्फ थोड़ी जी क्रीम पावांगी। क्रीम पाने के नाल थोड़ा ज्यादा टेक्सचर चेंज हो जाएगा।
मैं तुम दिखानी है मेरी सब्जी बनके रेडी है। देखो एकदम देख सकते हो तुसी इस तरह सेमी ग्रेवी चाहिए है। तो हुन मेरे राइस भी बॉयल हो चुके हैं तो हुन मैं लच्छा पराठा बना के तुम दिखानी है कि लच्छा पराठा मैं किस तरीके ना बनानी है। ये देखो मेरी सब्जी बनके रेडी हो गई, राइस तैयार ने। तो हुन मैं बूंदी का रायता पावांगी। तो देखो मेरे को इस ब्रांड की बूंदी मैं हमेशा यूज कर दी हाँ गार्डन की। ए प्लेन भी आती है और मसाले वाली भी आती है। अपने टेस्ट अकॉर्डिंग कभी मसाले वाली यूज कर लें, किसी मंथ ए ले आने के नाल दही यूज करांगी। तो मैं चलनी है बनानी है रायता, उस तो बाद में तुम मिलनी है। तो चलो हुन असी तुहानू मैं दिखा रही हाँ कि मैं लच्छा पराठा किस तरह बनानी है। मैं तवा गर्म होने वास्ते गैस से रखता है। आटे का एक पेड़ा लेके या लोई लेके असि उन्हें इस तरह वेल लांगे। नाल घ्यो का यूज करांगे। एक घर का बने हुआ घ्यो है, पंजाबियों का खाना हो और घ्यो यूज ना आए या देसी घी जिसको बोलते हैं वो यूज ना हो उस खाने का कोई मतलब नहीं है। वैसे भी आजकल डाइटिशियन कहते हैं कि हमको खाना घी खाना चाहिए, तो तुम अपनी मर्जी के हिसाब से ज्यादा कट लगा सकते हो। तो थोड़ा सा मैंने सूखा आटा लगाया। हुन बीच असि इस तरह इनू एवं कटांगे और इनू रोल करांगे। इस तरीके नाल रोल करदे करदे इनू असि ले आवांगे और इनू इस तरीके दे नाल असि नीचों दी इस तरह करके फोल्ड करके इनू असि इस तरह बना लांगे। और इनू हुन असि अपने हल्के हत्थां दे नाल हल्का हल्का नू वेड़ लांगे। गैस स्लो करने हैं। तुसी मैं दसना कि तुसी किस तरीके दा नाल अच्छा पराठा बनांदे हो। ज्यादा पतला नहीं वेलांगे इनू असी। तुसी देख सकते हो जिस तरह कि साडा पराठा बन के तैयार है। इनू हुण असी तवे ते पा दांगे। घ्यो का इस्तेमाल करांगे। तुसी चाहो तो तेल भी यूज कर सकते हो। जिन्नी स्लो सेक ते पकेगा उन्ना अच्छा पराठा क्रिस्पी निकलेगा साडा। हो सकता है मैं आने वाले अगले वीडियोस नाल और भी तरह तरह दे पराठा या जैसे पंजाबी जिन्हां नूं असीं परौंठे कहंदे आ वह शेयर करा। इस तरह का एक स्पून या की बोलते हो तुसी एनू जो भी बोलते हो एदे नाल एनू थोड़ा हल्का हल्का प्रेस कर लो। तो देखो ये लेयर पहले ही निकलना चालू होते तुसी जिवें देख सकते हो। देखो एदे ते हुण असी थोड़ा जा घ्यो लगावांगे और इनू थोड़ा जा करारा या कड़ा करने की कोशिश करांगे।
हल्के हल्के हथां नाल इस नूं सेकांगे। अगर तुसी नोटिस कर रहे हो तो देखो ये सारी परत दर परत लच्छे पराठे दी इस तरह दिख रही है। तो इस तरीके दे नाल मैं सारे पराठे सेक के तैयार कर लांगी। तो चलो हुण मैं तुहानू दिखानी हां कि मैं अज लंच दे विच किस तरीके दी अपना खाना बनाया ते मैं अपनी प्लेट लगानी हां। तो फिर तुहानू मैं मिलनी हां। तो फ्रेंड्स देखो इस तरह मेरा दोपहर दा लंच बन के अज तैयार है जिदे च मैं बनाए सी स्टीम या बॉयल राइस। स्टीम ते नहीं, इहनू तुसी बॉयल राइस कह सकदे हो। बूंदी वाला रायता, मटर पनीर दी सुक्की सब्जी, ए सैलड दे विच मैं कटया है टमाटर, खीरा ते प्याज। मूली मेरे कोल है नहीं क्योंकि मूली दा सीजन है तो बहुत अच्छी लगदी है। ते ए लच्छा पराठा। तो तुहानू मेरा ए बनाया हुआ खाना किस तरह लग्या? अच्छा लग्या ते मैनू सब्सक्राइब करना ना भूलो, लाइक करो, शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो दा थैंक यू वेरी मच।